हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर एक्सरसाइज 13.8 क्लास 9 का। तो हम इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज, वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का, इसकी रेडियस गिवन है। तो यहां पे जैसे दो क्वेश्चन गिवन है ना, दो में से हम एक करेंगे, एक आपको करना है। मीन्स एक आपको मैं करा रहा हूं, एक आपको होमवर्क करना है। तो जैसे कि हम फर्स्ट बात करें, क्या फाइंड करना है हमको, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। यहां पे r आपको कितना दे रहा है, 7 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, 4/3 × π की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, तो 7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 4 = 88 × 49/3। 88 × 49 करेंगे हम, रहेगा तो ये आपका आ गया cm³। तो ये था आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला अप्लाई करके इसी तरह से सेम रेडियस 0.63 मीटर लेते हुए आपको सेकंड क्वेश्चन जिसका फर्स्ट का सेकंड कंप्लीट है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये दे रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर मींस वही हुआ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिस्प्लेस बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। अब आपको इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में दे रखी थी रेडियस और यहां पे आपको दे रखी है डायमीटर। तो आपको क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल्स 28 सेंटीमीटर। देन आपके रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल्स 14 सेंटीमीटर। 28 का हाफ हो जाएगा, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। ओके, तो वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इट मींस अगेन 4/3 πr³, 4/3 × 22/7, 7 से अब इसको आगे आप सेल्फ कर लिया। ओके, तो कैलकुलेशन करनी इसी टाइप से, आपको ये इसका सेकंड भी कंप्लीट करना है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ मेटालिक बोल इज 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी है मेटालिक बोल की, 4.2 सेंटीमीटर। What is the mass of the bowl? If the density of the metal is 8.9 gram per centimeter cube. अब हम बात कर रहे हैं मास फाइंड करना है, तो उससे पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं। मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। ओके, ये याद रखिएगा, किसी भी वैल्यू मतलब मेटल हो गया या कोई भी सॉलिड हो गया, उसका आपको मास फाइंड करना है, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी करना होगा। तो डायमीटर गिवन है, क्या गिवन है आपको, डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। इसके डायमीटर है डायमीटर ऑफ मेटालिक बोल। ओके, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ मेटालिक बोल इक्वल्स 4.2 / 2, 2.1 सेंटीमीटर। अब आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, वॉल्यूम, देन आफ्टर मास इनटू डेंसिटी। डेंसिटी जो कि आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 8.9 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ बोल, 4/3 वॉल फॉर्मूला में लिख रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, 22/7 आर आर क्यू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 पॉइंट 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 1, 2, 3 7 इज 21, 3 इज 3 कैंसर, 22 4 88 21 into 21 441 होता है। ओके, डिवाइड बाय 1000। अब 88 इंटू 441 कर लेंगे हम, क्योंकि डायमीटर क्या होती है, रेडियस की हाफ
लेकिन इसकी रेडियस वापस क्या हो जाएगी, अर्थ की रेडियस की 1/4। तो आप कैसे भी लीजिए, जैसे यहां पे लेंगे तो क्या होगा आपके पास, डीई अपॉन 4 मीन्स डायमीटर, जो अर्थ की डायमीटर है उसका 1/4। तो मैंने डायरेक्टली रेडियस को लिया है क्योंकि रेडियस की रिक्वायरमेंट है आपको। तो इट मीन्स इसकी रेडियस कितनी हो गई आपके पास, आर ई, और इसकी रेडियस हो गई आपकी आर एम, क्योंकि इसको मैंने अर्थ लिया है और इसको क्या लिया है। ओके अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन, क्या निकालना क्या है आपको, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो अपन डायरेक्टली क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ मून का वॉल्यूम ऑफ अर्थ से रेशियो निकाला जाए ताकि आपको जो फाइंड करना हुआ जाएगा, देखिए कैसे, 4/3 पाई आर एम क्यूब, 4/3 पाई आर ई क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, आर एम की वैल्यू आर ई अपॉन 4 है तो यहां पर अपन रख देते हैं आर ई अपॉन 4 का होल क्यूब, और नीचे है अपने पास ऑलरेडी आर ई का क्यूब। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, डाउन साइड चला जाएगा 4 का क्यूब आपका 64, ये इसका कैंसिल हो गया 1/64। तो इस तरह से आप देखेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल्स 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यही हमको फाइंड है। ओके तो यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको कंप्लीट हो, कोई डाउट है तो आप मेरे से वापस व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। इट मींस इसमें मिल्क कितना फील हो सकता है, तो कितना मिल्क फील होगा इसका मतलब उसका जितना वॉल्यूम होगा उतना मिल्क फील होगा। ओके तो इसको इस तरह से देख सकते हैं, मिल्क होल्ड बाय हेमिस्फेरिकल बाउल इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस क्या है तो आपको दे रखी है डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गया आपके पास 10.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे 2/3 22/7 10.5/2 मल्टीप्लाई 10.5/2 10.5/2। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है, जैसे यहां से पॉइंट ये मैं रिमूव कर देता हूं 20, इसके बाद ये कैलकुलेशन करके आपको इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम, जो कि किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, किसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको ध्यान रखना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स 1 लीटर। ओके तो आप जो भी आंसर आएगा उसमें किसका डिवाइड होगी, 1000 का डिवाइड होगी तो आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा लीटर, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। ध्यान रखना जो भी आंसर आएगा उसमें 1000 का डिवाइड देंगे आप किसमें कन्वर्ट कर लोगे लीटर में, यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट होगी और लीटर में चेंज हो जाएगा। इसके आगे आपको ये क्वेश्चन सेल्फ करना है और कोई डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, मतलब आयरन शीट जो है वो 1 सेंटीमीटर थिक है, मींस ये जो थिकनेस है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। इफ द इनर रेडियस, मींस आप क्या लिख सकते हैं, इनर रेडियस इक्वल्स कितने हैं 1 मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.01 मीटर।
स्मॉल आर, आउटर रेडियस कैपिटल आर इक्वल्स 1 + 0.01 मीटर, 1.01. देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक. तो ध्यान रखिएगा आपको ओनली मेटल का वॉल्यूम फाइंड करना है. इट मीन्स आपको ये वाला पोर्शन रिक्वायर्ड है, इनर पोर्शन रिक्वायर्ड नहीं है. तो इट मीन्स हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फीयर. क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फीयर. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2/3 πr³ - r³. स्मॉल आर में, सॉरी कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस हो जाएगा. तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं 2/3 × 22/7. अब यहां पे आएगा आपके पास क्या, 1.01 × 3 − 1³. ओके, तो अब इसको देख लेते हैं, इसको कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा है. 44 × 7 = 31 मल्टीप्लाई. अब इसका क्यूब माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1.01 का क्यूब क्या आएगा वो देख लेते हैं. 1.030 और 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा. ओके, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है. 44 / 21 मल्टीप्लाई 0.030301. ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे अपन डायरेक्टली. तो अपने वो वॉल्यूम ही निकालना है एक शुरू खाली. तो 44 × 1.33324 और डिवाइडेड आपके पास क्या, 21. का डिवाइडेड दीजिए इस पर, (0.063.48) आगे भी जाएगा तो हमको अप्रोक्स निकालना है. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.063, क्योंकि इसी जगह राउंड क्लियर कर लेंगे हम, तो 635 किसमें आएगा आपके पास, मीटर क्यूब. चाहो तो उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, हो सकता है बुक में आंसर सेंटीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग दे रहा हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये आपका आपका क्या हो गया आंसर, मेटल शीट का वॉल्यूम आ गया है मीटर क्यूब. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका, आई थिंक सो वॉल्यूम गिवन है. क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, सॉरी सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम फाइंड करना है. क्या गिवन है आपको, सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स 154 cm². तो नॉर्मली आपको इसका फॉर्मूला लगाना है, 4πr² (154), r² = 154/4π. तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो 154 × 22 = 7. कट कर लीजिए, 11 से 2 times, 11 से 1, 4, अब 2 से ये 7, 7 × 7 = 4, r अंडर रूट आएगा
सेवन अपॉन टू 3.5 सेंटीमीटर रेडियस आ गई है। अब आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको फॉर्मूला लगाना है 4/3 πr³, ये आपको सेल्फ करना है। ओके तो नॉर्मल सा आप फाइंड करके फिर वॉल्यूम फाइंड करना है, ये क्वेश्चन आप सेल्फ करना है, तो प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर की फॉर्म में है। ओके फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट पोस्ट एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 4989.60। If the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter, find the inside surface area of the dome, volume of the air inside the dome. तो सबसे पहले बात करें, आपको क्या given है? Total cost of whitewashing the hemispherical कितने गिवन है 4989.60 रुपीस। ओके एंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग रुपीस 20 पर मीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले बात करें टोटल कॉस्ट अगर निकालना है तो हमको क्या रिक्वायर्ड होगा, पहले इनर सरफेस एरिया। तो अगर हम देखें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल कॉस्ट का, सॉरी टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द हेमिस्फेरिकल डोम इक्वल्स CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम मल्टीप्लाई पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट। तो यहां देखें हमारे पास टोटल कॉस्ट गिवन है कितनी है 4989.60। CSA फाइंड करना है, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 दे रखी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम इक्वल्स 4989.60 डिवाइड बाय 20, पॉइंट जीरो से जीरो कैंसिल, टू से कैंसिल आउट कर लो 10, टू से टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, टू नाइन जा 18, टू फोर जा एट, टू एट जा 16, और 100 का पॉइंट लग जाएगा तो 249.48 आपके पास किस में आएगा, ये मीटर स्क्वायर। अब ये आपके पास क्या आ गया CSA, इसके आगे आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहां पे आप क्या करोगे, इसके आगे CSA का फॉर्मूला लगा दोगे 2πr² = 249.48 मीटर स्क्वायर। इसके थ्रू आप आर स्क्वायर 249.48 अपॉन 2π इसको सॉल्व करके आप क्या फाइंड कर सकते हो आर, और आर फाइंड करने के बाद वॉल्यूम ऑफ द डोम फाइंड कर लोगे, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, मींस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले इसको आपको यह फाइंड करोगे आर, फर्स्ट आपको कंप्लीट हुआ इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, ये आपका कंप्लीट फर्स्ट का आंसर आएगा, सेकंड आपको सेल्फ है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास क्या, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं छोटे-छोटे, इच ऑफ रेडियस आर
मेंस इनकी रेडियस क्या गिवन है आपको, एवरी मतलब जो 27 है सबकी रेडियस कितनी है आर, एंड सरफेस एरिया कितना है इसका, सरफेस एरिया इज इक्वल टू एस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्क्वायर विद सरफेस एरिया एस डैश। इसका सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया बस एस डैश किसका, बिगर वर्क का। फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्क्वायर, इसकी आर डैश फाइंड करें। तो आप सबसे फर्स्ट बात करें इनको मेल्ट कर कर इस फॉर्म में लाए, ठीक है। अब बोला गया पूरा वापस ध्यान से बोलिए, 27 सॉलिड आयन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश। फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, न्यू स्फीयर की आर डैश क्या होगी। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम क्या, जब भी मेल्ट की बात करें दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ 1 बिगर स्फीयर 4/3 पाई, इसकी रेडियस कितनी है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसकी रेडियस कितनी है 4/3 पाई आर डैश क्यूब। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहां पे कितना है 27 मल्टीप्लाई, ओके तो 27 आर क्यूब इधर आर डैश क्यूब। तो हमको क्या फाइंड करना है सबसे पहले आर डैश, तो आर डैश इक्वल क्या होगा, 27 है क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यूब, क्यूब रूट निकालो 27 का 3 और आर क्यूब का आर। तो मेन आपके पास क्या आ गया, आर डैश इक्वल टू रेडियस, इसकी रेडियस जो है स्मॉल स्क्वायर की 3 टाइम्स होगी। अब रेशियो क्या निकालना है, एस एंड एस डैश का रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। तो ये फर्स्ट पार्ट यहां तक कंप्लीट हुआ, यहां से यहां तक आपका फर्स्ट क्लास लग गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो ये आपको याद रखना है आर डैश इज इक्वल टू 3 आर, ओके। सरफेस एरिया स्मॉल का कितना है एस और बिगर का कितना है एस डैश, मींस आपको एस अपॉन एस डैश निकालना है। तो एस का फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस एरिया और स्मॉलर का 4πr² और स्मॉलर का क्या होगा, सॉरी ये स्मॉलर का बिगर का क्या होगा 4πr² ओके। तो यहां पे 4π से 4π कैंसिल, आर तो आर ही रहेगा, ओके आर डैश की वैल्यू पुट कर देंगे यहां से कितनी है, आर डैश की वैल्यू 3 आर पुट कर दी का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन 9r² ये कैंसिल, कितना आया 1/9, तो रेशियो क्या हुआ 1:9, ये आपका क्या है आंसर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। तो फर्स्ट आपको पूछा था इनका रेडियस में रिलेशन भी कह सकते हैं या फिर रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर फाइंड करना और रेशियो ऑफ सरफेस एरिया दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm, हाउ मच मेडिसिन इन mm मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। कुल मिलाकर आपको डायमीटर दे रखा है इस क्वेश्चन में और आपको सबसे पहले रेडियस फाइंड करनी, रेडियस क्या हो जाएगी डायमीटर की हाफ और देन आफ्टर उसका क्या करना है वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है डू योर सेल्फ, ये कंप्लीट आपको करना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश होती है और यूनिट भी यहाँ पे फिनिश होती है। इस पूरी यूनिट में और इस एक्सरसाइज में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओके। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।